हेलो एवरीवन वेलकम टू फाइनेंस बाय अविशा एन अर्पिता आज की वीडियो में हम देखेंगे फाइनेंशियल इंटरमीडरीज के बारे में ओवरव्यू की बात करें तो जब से आपने मार्केट एक्सेस करना स्टार्ट किया है आप स्टॉक्स बाय करते हो टिल द स्टॉक्स कम और कम एंड हिट योर डी मैट अकाउंट बड़े सारे कॉपरेट एंटिटीज़ एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं कि ये चीज़ें वर्क करें आपके लिए तो ये एंटिटीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बिहाइंड द सीन वो ऑलवेज कंप्लाई uh, करती हैं रूल्स जो सेबी ले करता है और इंश्योर करती हैं कि आपका जो एक्सपीरियंस है इस ट्रांजैक्शन के साथ स्टॉक मार्केट में वो एफर्टलेस और स्मूथ हो जाए ये एंटिटीज़ जनरली रेफर हम इनको कर सकते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडरीज के uh, को बोल सकते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडरीज होते हैं या आपकी बेसिकली ट्रांजैक्शन स्टॉक मार्केट में स्मूथ कर देते हैं और एफर्टलेस कर देते हैं और ये कंप्लाई करते हैं सारे के सारे रूल्स जो सेबी बोलते हैं बोलता है तो टुगेदर ये फाइनेंशियल इंटरमीडरीज इंटर डिपेंड ऑन वन एन अदर और क्रिएट करते हैं एक सिस्टम इन विच द फाइनेंशियल मार्केट्स एग्जिस्ट तो इस चैप्टर में दिस बेसिकली इट हेल्प यू गेट एन ओवर व्यू ऑफ वट फाइनेंशियल इंटरमीड्रीज आर एंड द सर्विसज दे ऑफ़र तो एक स्टॉक ब्रोकर क्या होता है एक स्टॉक ब्रोकर इज़ पोटेंशली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल इंटरमीडरीज दैट कैन दैट यू मे नीड टू नो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल इंटरमीड्री होता है एक स्टॉक ब्रोकर एक कॉपरेट एंटिटी होती है रजिस्टर्ड एज ट्रेडिंग मेंबर विथ स्टॉक एक्सचेंज और ये होल्ड करता है अ स्टॉक ब्रोकिंग लाइसेंस ये ऑफर करते हैं अपनी गाइडेंस प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी एक स्टॉक ब्रोकर इज योर गेटवे टू स्टॉक एक्सचेंज इट्स बेसिकली स्टॉक ब्रोकर एक गेटवे होता है स्टॉक एक्सचेंज में First, you need to open something called trading account with a broker who meets your requirement. a trading account a broker, your requirement This requirement could be simple as proximity between the bro broker's office and your house. Simultaneously, it can be complied as identified as broker who can provide you with. सिंगल प्लेटफॉर्म यूजिंग विच यू कैन ट्रांज़ैक्ट अक्रॉस मल्टीपल एक्सचेंजेज अक्रॉस द वर्ल्ड ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म भी हो सकता है जहाँ पर आप ट्रांजेक्ट कर सकते हैं जो आपको आ, बड़े सारे मल्टीपल एक्सचेंज पर ट्रांजेक्ट करने का प्लेटफॉर्म दे सकता है अक्रॉस द वर्ल्ड एट अ लेटर पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वॉट दीज रिक्वायरमेंट्स कुड बी एंड हाउ टू चूज़ द राइट ब्रोकर एक ट्रेडिंग अकाउंट लेट अस कैरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द मार्केट ट्रेडिंग अकाउंट से आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं मार्केट में और एक ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट होता है विद द ब्रोकर जहाँ पर इन्वेस्टर बाय और सेल करता है सिक्योरिटीज़ सो अज्यूम करो अज्यूमिंग यू हैव अ ट्रेडिंग अकाउंट आपके पास एक ट्रेडिंग अकाउंट है वेन एवर यू वॉन्ट टू ट्रांजेक्ट इन द मार्केट यू नीड टू ट्रांजेक्ट विद योर ब्रोकर आपने अज्यूम कर लो कि आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट है जब भी आपको ट्रांजेक्ट करना है मार्केट में आप ट्रांजैक्ट करोगे अपने ब्रोकर के साथ यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड वेज होते हैं जिसके थ्रू आप इंटरेक्ट करते हो अपने ब्रोकर के साथ आप जाते हो ब्रोकर के ऑफिस में एंड डीलर दील, के साथ मिलते हो ब्रोकर ऑफिस में और बताते हो कि ये आपकी क्या विश है व्हाट डू यू विश टू डू तो डीलर उस जो डीलर है वो एक एग्जीक्यूटिव होता है स्टॉक ब्रोकर ऑफिस में जो कैरी करता है सारी ट्रांजैक्शन आपके बिहाफ पर तो आप आ, एक टेलीफोनिक कॉल भी कर सकते हो अपने ब्रोकर को आइडेंटिफाई योर सेल विद द क्लाइंट कोड अकाउंट कोड या प्लेस ऑन अकाउंट ऑफ योर ट्रांजैक्शन तो डीलर ऑन द अदर एंड विल एग्जीक्यूट द ऑर्डर फॉर यू आप उनसे फ़ोन पे भी बात कर सकते हो अपना अकाउंट कोड या क्लाइंट कोड से और अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो अपनी ट्रांजैक्शन के लिए तो डीलर आपके एंड पर एग्जीक्यूट करेगा और कंफर्म uh, करेगा स्टेटस वाइल यू स्टे ऑन द कॉल राइट थर्ड वे हो सकता है डू इट योरसेल्फ सो दिस इज़ पर द मोस्ट पॉपुलर वे ऑफ ट्रांजेक्टिंग इन मार्केट्स पहले में तो आप बेसिकली गए वहाँ पर उनके ऑफिस में अपनी रिक्वायरमेंट बताई उसके अकॉर्डिंगली वो कर देंगे सेकेंड वे था आपने फ़ोन किया और uh, बताया कि ये ऐसे ऐसे करना है एंड दे विल डू ऑन योर बिहाफ़ थर्ड वे इज़ यू डू इट योर सेल्फ दिस इज़ पर मोस्ट पॉपुलर वे ऑफ ट्रांजेक्टिंग इन द मार्केट्स और ब्रोकर आपको एक्सेस देता है मार्केट में थ्रू सॉफ्टवेयर जिसे बोलते हैं ट्रेडिंग टर्मिनल आफ्टर यू लॉग इन टू द ट्रेडिंग टर्मिनल यू कैन व्यू प्राइस कोड्स फ्रॉम द मार्केट और प्लेस कर सकते हो ऑर्डर अपने आप तो बेसिक सर्विस प्रोवाइडर बाय द ब्रोकर इंक्लूड क्या क्या करता है गिव बेसिक सर्विसेज जो ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है वो एक्सेस देता है आपको मार्केट में एंड लेटिंग यू ट्रांजैक्ट सेकंड गिव यू मार्जन्स फॉर ट्रेडिंग we we will discuss this point in the later stage so third is provide support dealing support if you have to call and trade software uh, support if you have issue with trading terminal fourth is uh, issue contract note for the transaction um, a contact contract note. कर सकते हो ट्रांजैक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट नोट बेसिकली रिटर्न कॉन्फर्मेशन होता है डिटेलिंग द ट्रांजैक्शन यू कैन कैरी आउट ड्यूरिंग द डे ये फोर्थ वे फोर्थ सर्विस जो ब्रोकर प्रोवाइड करता है वो फिफ्थ फैसिलिटेट करता है फंड ट्रांसफ़र फ्रॉम योर ट्रेडिंग एंड बैंक अकाउंट प्रोवाइड यू विद Back office login using which you can see the summary of your account and broker charge karta hai fee for the services he provides you called the brokerage charge or just brokerage. So brokerage rate vary karta hai and upon you to find a broker who strikes a balance between the fee he collects versus the services he provides. Now, uh, we will talk about the third point that is the depository and depository participants. Agar, uh, if you buy a property, the, the only way to identify and claim that you actually owe the property is by producing the property paper. अगर आपके पास एक अगर आप एक प्रॉपर्टी बाय करते हो आप उस प्रॉपर्टी को अपनी कब कह सकते हो जब आपके पास उस प्रॉपर्टी के प्रॉपर्टी पेपर्स होंगे हैंस इट बिकम्स असेंशियल टू स्टोर द प्रॉपर्टी पेपर्स इन सेफ एंड सिक्योर प्लेस तो इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपने प्रॉपर्टी पेपर सेफ़ और सिक्योर प्लेस पर उसे सिक्योर करके रखो लाइक वाइज वेन यू बाय अ शेयर ऐसे ही जब आप शेयर परचेज करते हो तो शेयर रिप्रजेंट पार्ट ऑफ योर ओनरशिप इन द कंपनी जैसे आपको अपने प्रॉपर्टी पेपर सेफ़ और सिक्योर जगह पर रखने होते हैं वैसे ही अगर आप किसी शेयर uh, कोई शेयर परचेज करते हो तो आपको uh, वो बेसिकली यू बाय शेयर आप रिप्रजेंट करते हो उस ओनरशिप उस कंपनी में तो द ओनली वे टू क्लेम योर ओनरशिप इज़ बाई प्रोड्यूसिंग योर शेयर सर्टिफिकेट अब आप उस शेयर को अपना तब कह सकते हो जब आप उस प्रॉप शेयर का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करो तो शेयर सर्टिफिकेट इज नथिंग शेयर सर्टिफिकेट और कुछ नहीं है एक पीस ऑफ डॉक्यूमेंट है इन टेलिंग यू एज द ओनर ऑफ द शेयर इन द कंपनी तो आ, बिफोर 1996 नाइन्टी सिक्स शेयर सर्टिफिकेट वॉज इन पेपर फॉर्मैट नाइनटीन से पहले आ, जो शेयर का सर्टिफिकेट होता था वो पेपर फॉर्मेट में होता था हाउ एवर नाइनटीन के बाद शेयर सर्टिफिकेट्स कन्वर्ट हो गए थे डिजिटल फॉर्म में तो कन्वर्टिंग अ पेपर फॉर्मेट शेयर सर्टिफिकेट इनटू अ डिजिटल शेयर सर्टिफिकेट इज़ कॉल्ड डी मटीरियरियलाइजिंग उसकी एब्रीविएशन होती है एज डी मैट तो uh, 1996 से पहले आपको पता चल गया ऐसे पेपर फॉर्मेट में शेयर सर्टिफिकेट मिलता था 1996 के बाद वो डिजिटल फॉर्म में हो गया तो इस डिजिटल फॉर्मेट शेयर सर्टिफिकेट को बोलते हैं डी मटीरियलाइजेशन इसका एब्रीविएशन है डी मैट तो शेयर सर्टिफिकेट ये डी मैट में होते हैं और ये डिजिटली स्टोर होते हैं ये स्टोर फॉर द डिजिटल सर्टिफिकेट इज डी मैट अकाउंट मतलब आपका डी मैट अकाउंट पे आपके शेयर्स कितने हैं वहाँ पर वो रिफ्लेक्ट होते हैं वहाँ पर सर्टिफिकेट मिलता है जैसे प्रॉपर्टी का सर्टिफिकेट होता है जैसे आप उसको क्लेम नहीं कर सकते ना कि ये मेरी प्रॉपर्टी एनटिल एनलिस यू हैव द पेपर्स फॉर दैट प्रॉपर्टी ऐसे ही कंपनीज के शेयर्स जो आपने परचेज किए हैं वो डी मटी डी मैट अकाउंट में आ जाते हैं और वहाँ पर आपका दिखाते हैं कि आपका इस कंपनी में इतने शेयर्स हैं तो स्टोर द स्टोरेज फॉर द डिजिटल शेयर सर्टिफिकेट उसे हम बोलते हैं डी मैट अकाउंट ये एक डिपॉजिटरी है इन द फाइनेंशियल इंटरमीडरी जो ऑफर करती है सर्विसेज ऑफ द डी मैट अकाउंट तो डी मैट अकाउंट इज़ योर नेम विच हैज़ ऑल द शेयर्स इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मैट यू बॉट तो डी मैट अकाउंट में आपका नाम होता है शेयर्स होते हैं इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मैट जो आपने बाय कर रखे हैं थिंक uh, की डी मैट अकाउंट एज अ डिजिटल वॉलेट फॉर योर शेयर्स तो बेसिकली एक डिजिटल वॉलेट है आपके शेयर्स का सो एज यू कैन एज यू हैव गेस्ड योर ब्रोकिंग ट्रेडिंग अकाउंट एंड डी मैट अकाउंट फ्रॉम द डिपॉजिटरी आर इंटरलिंक तो आपका ब्रोकर्स ट्रेडिंग अकाउंट और डी मैट अकाउंट इंटरलिंक्ड है फ्रॉम द डिपॉजिटरी फॉर एग्जाम्पल इफ यू इफ योर आइडिया इज़ टू बाय इन्फोसिस शेयर्स अगर आपका आइडिया कि मुझे इंफोसिस के शेयर्स खरीदने देन यू नीड टू ओपन आपको ओपन करना पड़ेगा अपना ट्रेडिंग अकाउंट लुक फॉर इन्फोसिस का प्राइस और उसे खरीद लो एक बार आपने ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर दी तो रोल ऑफ़ योर ट्रेडिंग अकाउंट इज़ डन तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट का काम हो गया है आफ्टर यू बाय द शेयर्स ऑफ इन्फोसिस तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे और बैठ जाएंगे आपके डीमैट अकाउंट पे तो ट्रेडिंग अकाउंट का काम कब तक होता है जब तक आपने uh, सोचा और ख़रीदा खरीद लिया तो खरीदने के बाद वो आपके पास डीमैट अकाउंट में स्टोर हो जाएंगे लाइकवाइज इफ़ यू विश टू सेल योर इन्फोसिस शेयर्स अगर आप बेचना चाहते हैं सो यू ऑल यू हैव ऑल यू हैव टू डू इज़ टू ओपन योर ट्रेडिंग अकाउंट आपको अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है वहाँ से बेचने हैं दिस टेक्स केयर ऑफ द ट्रांजेक्शन पार्ट तो ट्रेडिंग अकाउंट ट्रांजेक्शन पार्ट तक के लिए होता है हाउेवर इन द बैक एंड द शेयर्स विच आर सिटिंग इन योर डी डिमेट अकाउंट विल गेट डेबिटेड तो अब आपने बेच दिया अपने इन्फोसिस के शेयर्स तो वो डेबिट हो जाएंगे एंड शेयर्स मूव आउट ऑफ द डीमैट अकाउंट जब तक ट्रांजैक्शन होती है तब तक वो ट्रेडिंग अकाउंट में होते हैं ट्रांजैक्शन होने के बाद अगर खरीदें तो डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे बेचें तो डीमैट अकाउंट से चले जाएंगे अभी आ, दो डिपॉजिटरीज़ आर ऑफरिंग योर डीमैट अकाउंट सर्विसेज एक है एन नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और बेसिकली यही दो डिपॉजिटरीज हैं जो डीमैट सर्विसेज देती हैं एक एन है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और दूसरी है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड तो आ, ये वर्चुअली इनमें कोई डिफरेंस नहीं है बोथ ऑफ देम ऑपरेट अंडर द स्ट्रिक्ट सेबी रेगुलेशन जस्ट लाइक द वे यू कॉन्ट वॉक इन टू एन एस सी ऑफिस टू ओपन अ ट्रेडिंग अकाउंट यू कॉन्ट वॉक इन टू अ डिपॉजिटरी टू ओपन अ डी मैट अकाउंट जैसे आप एन एस सी में जाके बैठ नहीं जाओगे कि ट्रेडिंग अकाउंट खोल दो ऐसे ही आप इस डिपॉजिटरी में जाके आ, अपना डी मैट अकाउंट के लिए नहीं जाओगे एन एस सी के पास ट्रेडिंग अकाउंट के लिए नहीं जाओगे मतलब मेरा ट्रेडिंग अकाउंट खोल दो एन एस सी वालों और ऐसे ही आप एन एस डी एल या सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड के पास नहीं जाओगे कि हमारा डी मैट अकाउंट खोल दो अगर आपको डी अकाउंट खोलना है आपको लाइजॉ करना पड़ेगा विद डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सेटअप कर देंगे आपका डी अकाउंट विद अ डिपॉजिटरी तो ये डी uh, जो डी जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है वो एक्ट करता है एक एजेंट टू द डिपॉजिटरी नीडलेस टू से ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट गवर्न करते हैं अंडर द रेगुलेशंस लेड बाय सेबी दिस इज ऑल अबाउट डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंस नाओ वील टॉक अबाउट द बैंक्स तो बैंक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं बहुत ही बैंक्स प्ले अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड रोल इन द मार्केट इको सिस्टम ये हेल्प करते हैं फेसिलिटेट करने के लिए फंड ट्रांसफ़र आप आपके अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में और ये जो ट्रांसफ़र है मनी का बैंक से यू कान ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम योर बैंक अकाउंट दैट इज़ नॉट इन योर नेम अगर आप पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते अगर आपके नाम पर वो अकाउंट नहीं है इज़ नॉट इन योर नेम सो यू कैन लिंक मल्टीपल बैंक अकाउंट्स टू योर ट्रेडिंग अकाउंट विच यू कैन ट्रांसफ़र फंड्स एंड ट्रेड आप मल्टीपल बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हो अपने ट्रेडिंग अकाउंट से और फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो ट्रेड के लिए यू कैन ऐड वन प्राइमरी बैंक अकाउंट एंड यू कैन ऐड अदर सेकेंडरी बैंक अकाउंट्स यहाँ पर आप बैंक अकाउंट में ऐड बैंक अकाउंट से फंड ऐड कर सकते हो बट द विड्रॉल आर ओनली प्रोसीडेड टू द प्राइमरी बैंक अकाउंट ऑल्सो डिविडेंड पेमेंट मनी फ्राम बायस विल बी सेंड टू प्राइमरी बैंक अकाउंट तो प्राइमरी बैंक अकाउंट कनेक्ट होता है आपसे आपके ट्रेडिंग बैंक अकाउंट से और द डिपॉजिटरी एंड रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर वो एजेंट्स होते हैं इस स्टेज पे यू मस्ट हैव रिइज कि थ्री फाइनेंशियल इंटरमीड होते हैं थ्री अकाउंट्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट डीमैट अकाउंट और बैंक अकाउंट ये तीनों अकाउंट ऑपरेट होते हैं इलेक्ट्रॉनिकली और ये इंटरलिंक्ड होते हैं जनरल गिविंग यू अ वेरी सीमलेस एक्सपीरियंस सो दिस इज ऑल अबाउट बैंक अब हम बात करेंगे एन एस सी सी एल एंड आई सी सी एल तो एन एस सी सी एल क्या है ये है नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड और आई क्या है इंडिया क्लियरिंग कॉरपोरेशन ये होली ओन्ड सब्सिडरीज हैं एन और बी की तो इनकी जॉब क्या है ये क्लियरिंग कॉरपोरेशन है ये इंश्योर करती हैं कि जनरेटेड सेटलमेंट ऑफ ट्रेड और ट्रांजेक्शन फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू बाय एक शेयर ऑफ मे बी किसका शेयर बाय करोगे बाय कौन का शेयर बाय कर रहे हो आप उसका शेयर प्राइस है फोर फोर्टी सिक्स एक शेयर इतने का है यू मस्ट हैव यू मस्ट बी समन हु हैव सोल्ड वन शेयर तो कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसने uh, अगर आपको खरीदना है तो किसी ने बेचा होगा टू यू फोर रुपीज़ फ़ोर फोर्टी सिक्स

द क्लियरिंग कॉपरेशन रोल इज़ टू इंश्योर कि वो आइडेंटिफाई करे बायर्स और सेलर्स और मैच करे डेबिट क्रेडिट प्रोसेस इंश्योर करे कि कोई डिफॉल्ट ना हो क्लियरिंग कॉपरेशन ऑल्सो इन्श्योर करता है कि देर आर नो डिफॉल्ट बाय आदर पार्टीज जैसे एग्जाम्पल लो आफ्टर आपने सेल किया एक शेयर द सेलर शुड बी इन अ पोजिशन टू बैकआउट देयर फोर Defaulting uh, thereby defaulting in this transaction. So, uh, in practical purpose, it's okay not to know about uh, NCCC, NSCCL, or ICCL simply because you are a trader or investor, uh, would not be interacting with these agencies directly. You need to be aware that certain professional institutions are heavily regulated and work towards a smooth settlement and effective clear, uh, clearing activities. So the key takeaways from these, this chapter are a market ecosystem is built by clustering of financial intermediaries, each offering quite unique to the functioning of market. सेकेंड इज uh, एक स्टॉक ब्रोकर इज़ योर एक्सेस टू मार्केट एंड यू कैन यू मेक श्योर यू चूज अ ब्रोकर दैट मैच योर रिक्वायरमेंट एंड सर्विसेज एज वेल सो स्टॉक ब्रोकर का मार्केट में एक्सेस होता है और आप जब ये चूज करते हैं यू मेक श्योर कि ब्रोकर मैच करे आपकी रिक्वायरमेंट और सर्विसेज तो स्टॉक ब्रोकर प्रोवाइड करता है आपको ट्रेडिंग अकाउंट के साथ विच इज़ यूज फॉर ऑल मार्केट रिलेटेड ट्रांजेक्शन बाइंग और सेलिंग के लिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक शेयर्स और एक डिपॉजिट्री इज अ कॉर्पोरेट एंटिटी विच होल्ड द शेयर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म अगेंस्ट योर नेम इन योर अकाउंट और आपका अकाउंट विद द डिपॉजिट्री जिसे आप बोलते हो डी मैट अकाउंट दो डिपॉजिटरीज हैं इंडिया में एक है एन एस डी एल और दूसरी है सी एस सी डी एस एल अगर आप ओपन करते हो एक डीमा अकाउंट विद वन ऑफ द डिपॉजिटरीज यू नीड टू ऑन विद अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक एजेंट होता है टू द डिपॉजिटरी और क्लियरिंग कॉपोरेशन वर्क करता है टूवर्ड्स Clearing and settlement of trades executed by you. So, this is all about this video on financial intermediaries. I hope you gained a lot of knowledge. Uh, thanks for watching. Please subscribe to the channel. Okay, bye bye.